नमस्कार, मैं सरिता पारासरी, रेगी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का फिर एक बार अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौमों के बीच स्थित है, इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का प्रतीक दो पंखुड़ियों वाला कमल है, जो इस बात का प्रतीक है कि चेतना के स्तर पर आत्मा और परमात्मा ही हैं। आज्ञा चक्र हमारे बुद्धिमत्ता का केंद्र है। ये ब्रह्मांड तो ज्ञान और विज्ञान का सागर है। जो कुछ भी कोई व्यक्ति नया करता है, उनका आज्ञा चक्र की ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है। कैसा भी ज्ञान हो जो ब्रह्मांड से अंदर आ रहा है, हमारे भीतर उसका केंद्र आज्ञा चक्र ही है। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों में शिव शक्ति एक ही रूप में संयुक्त है। इसका रंग है इंडिगो, डार्क ब्लू, और बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र के अच्छे चलने से व्यक्ति अच्छी परख रखता है, अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे विचार उसके होते हैं। और इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। ये प्रतीक है बुद्धि और ज्ञान का, जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। इस चक्र के कमज़ोर पड़ने पर आँख, नाक, माइग्रेन की, याददाश्त का कमज़ोर होना, दिमाग का असंतुलित होना, इस प्रकार की बहुत सारी दिमाग से संबंधित बीमारी होती हैं। आज्ञा चक्र को सक्रिय रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, आप वो सभी कार्य कीजिए जिससे आपकी ऊर्जा ऊपर को उठे। आप ध्यान तीसरी आँख पर ध्यान लगाकर 10 मिनट मेडिटेशन करें, तब भी आपका ये चक्र बहुत जल्दी सक्रिय होगा। आप नीले कलर के कपड़े पहने और सिंबल द्वारा इस चक्र को रेकी दें। जिस प्रकार बहुत सारे सिंबल रेकी में बनाए गए हैं, उनसे ये चक्र बहुत ही जल्दी सक्रिय होता है। आप ओम का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा आप ओम का उच्चारण करेंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा ऊपर को उठेगी और इस चक्र की ऊर्जा बहुत ही प्रबल होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना।